हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे से मिलवाने जा रही हूँ जिसे नासा ने एयर प्यूरिफायर बताया है। वो इजी टू केयर है, यानी उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है। हार्डी है, आसानी से मरता भी नहीं है, और वो इंडोर भी है और आउटडोर भी। आप उसे क्यारी में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, मॉस स्टिक के साथ भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं। पत्तियां तो इतनी खूबसूरत हैं कि फूलों वाले पौधे भी उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। इतनी सारी क्वालिटीज वाला वो पौधा है, सिंगोनियम। आज मैं आपको उनकी वैरायटीज के बारे में बताऊंगी। जो कलेक्शन मेरे पास है, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी। सिंगोनियम प्लांट का साइंटिफिक नेम है सिंगोनियम पोडोफाइलम। इसे गूज फूड या एरोहेड प्लांट भी कहते हैं। ये एक एयर प्योरीफायर पौधा है जिसकी पत्तियाँ पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो रूट जोन में जाकर प्लांट न्यूट्रिएंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये एक एक्सेलेंट हाउस प्लांट है, जिन घरों में लो लाइट आती है उन घरों के लिए। ये है सिंगोनियम क्रीम इल्यूजन। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पत्तियाँ लाइट ग्रीन होती हैं और साइड में डार्क ग्रीन होती हैं, और बीच में जो वेन्स, ये जो लकीरें होती हैं, ये लाइट पिंक कलर्स की होती हैं। इससे आप इस पौधे की पहचान कर सकते हैं कि ये सिंगोनियम क्रीम इल्यूजन है। है ना खूबसूरत पत्तियाँ। मेरी सिंगोनियम फैमिली का लेटेस्ट मेंबर है पिंक सिंगोनियम, और ये मेरा फेवरेट भी है क्योंकि इसकी पत्तियाँ बाकी पत्तियों से बिल्कुल अलग। देखिए कितनी प्यारी पिंक कलर की पत्तियाँ हैं, और नासा ने इसे उन अच्छे प्लांट्स में से बताया है जो एयर प्यूरीफायर हैं। जब ये पत्तियाँ निकलती हैं शुरुआत में, ये तो हार्ट शेप की होती हैं, बाद में ये इस तरह की नुकीली एरोहेड, जो इसका एक और नाम है, उस तरह की हो जाती हैं। और शुरुआत में ये पत्तियाँ पिंक कलर की होती हैं, और जैसे जैसे ग्रो करती हैं, पुरानी होती जाती हैं, इस तरह से क्रीम कलर की हो जाती हैं। और अगर आपको इनका पिंक कलर चाहिए पत्तियों में इस तरीके का, तो प्लीज़ इन्हें ब्राइट एरिया में रखिएगा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, पर ब्राइट एरिया में। पिंक सिंगोनियम। सिंगोनियम की अगली वैरायटी है होली सिंगोनियम। इसकी पत्तियां ऑलमोस्ट वाइट होती हैं, और इसके जो पॉइंट है, इसका जो सिरा है, ज़्यादा नुकीला पॉइंटेड होता है, और इसके जो एजेस हैं, तो पतली सी डार्क ग्रीन लाइन होती है इसमें, और जैसे जैसे ये पत्ते मैच्योर होते जाते हैं और ज़्यादा वाइट होते जाते हैं। होली सिंगोनियम। मेरे कलेक्शन में अगला सिंगोनियम है मारिया सिंगोनियम या ब्राउन सिंगोनियम। इसका ये नाम इसकी पत्तियों के कलर के कारण पड़ा है। ये देखिए, शुरुआत में इसकी जो नई पत्तियाँ आती हैं, न्यू लीव्स हैं, लगभग ब्राउन्स कलर की होती हैं। ये देखिए, और जैसे जैसे ये पत्तियाँ मैच्योर होती जाती हैं, इनका कलर चेंज होते जाता है। ये देखिए, जो जितनी भी नई पत्तियाँ हैं, न्यू लीव्स हैं, सॉलिड रेड ब्रॉन्ज कलर की हैं, और जैसे जैसे पत्तियाँ मैच्योर होती जाती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। देखिए डार्क ग्रीन हो गई हैं, और इनकी जो वेन्स हैं, ये सॉलिड रेड कलर की हो जाती हैं। तो ये है मारिया सिंगोनियम। में सिंगोनियम की अगली वैरायटी है मिनी पिक्सी सिंगोनियम। ये भी बहुत ऊंचा नहीं होता, फैलता है, और इसकी पत्तियाँ भी आप देखिए, पतली पतली, बारीक सी और लंबी हैं, और इनके बीच में की गाढ़ी सी लाइन है, कत्थई कह सकते हैं आप उसको। जो वेन्स हैं वो डार्क कलर की वेन्स हैं, और ये भी काफ़ी ऊंचा नहीं होगा, चौड़ाई में बढ़ता है, यानी घना होगा। तो ये है मिनी पिक्सी सिंगोनियम की एक वैरायटी। सिंगोनियम का हमारा अगला पौधा है, ये लगभग क्रीम इल्यूजन जैसा ही है। इनकी पत्तियां भी बीच में हल्की हरी, किनारों पर थोड़ी गाढ़ी हरी, और बीच में डार्क पिंक वेन्स हैं इसकी। बस क्रीम इल्यूजन सिंगोनियम से इसकी पत्तियां काफी छोटी हैं। मेरे कलेक्शन की अगली वैरायटी है पिक्सी, मिनी पिक्सी सिंगोनियम। इसकी सुपर ड्वार्फ वैरायटी है, बिल्कुल छोटी छोटी नाजुक सी पत्तियां,
बीच लाइट ग्रीन होता है, ये देखिए इस तरीके से, और साइड में डार्क ग्रीन होता है। ये बहुत, इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते, और बढ़ेंगे भी तो इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ये चौड़ाई में पूरे गमलों में फैल जाएंगे। तो ये है इनकी ड्वार्फ वैरायटी सिंगोनियम की, मिनी पिक्सी सिंगोनियम। हमारी अगली वैरायटी है सिंगोनियम वेटलैंडी। ये नाम मुझे गूगल में मिला है, कई लोग इसे वेलवेट सिंगोनियम, ब्लैक सिंगोनियम भी कहते हैं। इसकी पत्तियों को देखिए, एकदम गाढ़ी हरी और बिल्कुल मखमल के जैसा, वेलवेट के जैसा लुक देती है, शायद इसलिए इसका नाम वेलवेट सिंगोनियम या ब्लैक सिंगोनियम भी रखा गया है। इसकी पत्तियाँ पतली नुकीली और बीच में प्योर वाइट नहीं कह सकते आप, लेकिन हल्का सा उसमें ग्रीन शेड होता है, इस तरह की बीच में बिल्कुल लाइन होती है, ये देखिए। तो ये हमारा सिंगोनियम वेडलैंडी, ब्लैक सिंगोनियम या वेलवेट सिंगोनियम है। और ये है मेरा बटरफ्लाई सिंगोनियम। ये सबसे कॉमन वैरायटी है, सबसे इजीली अवेलेबल हो जाती है, और इसमें खास है डार्क ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती है, और जिसकी वेन्स है वो लाइट ग्रीन कलर की होती है, तितलियों की पंखों की तरह, ये देखिए। और आप इसे क्रीपर की तरह भी लगा सकते हैं और बोशी भी बना सकते हैं। बटरफ्लाई सिंगोनियम। आई होप आपको मेरा सिंगोनियम का कलेक्शन पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सिंगोनियम के पौधे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। थैंक यू।